प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। अब मेरी जो आज की मेन है कि सारी उम्र हम लोग यही करते थे, हमें आराम कब मिलेगा, हमें आराम कब मिलेगा, बच्चे बड़े हो जाएं, शादियां हो जाएं, सोचते रहते पूरी लाइफ और ऐसे ही निकल जाती है। तो इसी पर एक छोटी सी है, माँ मुझे थोड़ा आराम करना है। स्कूल क्लास की पढ़ाई से थक कर बेटी ने माँ से कहा, माँ मुझे थोड़ा आराम करना है। माँ का जवाब सुनो, अरे बिटिया अच्छी पढ़ाई कर, बाद में आराम ही तो करना है। बिटिया उठी, पढ़ने बैठी और फिर आराम करना तो वो बेचारी भूल ही गई। माँ मुझे थोड़ा समय दे दो, दो घड़ी आराम कर लो, ऑफिस से थक कर आई हूँ। बिटिया ने कहा, माँ मैं बहुत थक गई हूँ। बिटिया माँ ने कहा, अरे बिटिया शादी कर ले और सेटल हो जा, फिर आराम ही तो करना है। बिटिया शादी के लिए तैयार हो गई और आराम करना तो रह ही गया। अरे इतनी जल्दी क्या है माँ, एक आधा साल और ठहर जाओ, कर लूंगी ना। पर माँ का जवाब, अरे बिटिया समय के साथ, ये आजकल नहीं, मैं आजकल की जनरेशन ये नहीं सोचती है। अरे बिटिया समय के साथ बच्चे हो जाए तो टेंशन नहीं होती, फिर आराम ही आराम है। इस बात को सुनकर बिटिया मान गई और आराम करना तो रह ही गया। तुम माँ हो, तुम ही बच्चों के साथ जागना पड़ेगा, बस थोड़े दिन की तो बात है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर आराम ही आराम है। फिर बच्चों के लिए कई रात जागी बेचारी, बच्चे थोड़े बड़े हो गए पर फिर वो अपना आराम करना फिर भूल गई। अब पति से उसकी वार्तालाप शुरू हुई, माँ की वार्तालाप खत्म, बच्चे हो गए, पति से वार्तालाप है, सुनो जी बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, अब तो दो घड़ी बैठने दो, मुझे आराम करने दो। पति का जवाब, बच्चों की तरफ ध्यान दो, उनको पढ़ा लो, फिर आराम ही आराम, बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने बैठी और फिर मैं आराम करना भूल गई। बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब कुछ आराम करूं, अब तो बच्चे बड़े हो गए, जब जॉब पर भी चले गए, पर फिर अब बच्चों की शादी करनी है, ये जिम्मेदारी भी पूरी हमें ही करनी है, तो फिर मैं आराम करना भूल गई। इतनी हिम्मत जुटाई, बच्चों की शादी का काम निपटाया और फिर आराम करना रह गया। बच्चों का अपना संसार चलने लगा, अब मैं ज़रा आराम कर लूँ, पर क्या हुआ, अब बिटिया ने अपनी माँ को बुलाया, माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, पहला बच्चा है, मायके में होगा ना, चलो थोड़ी तैयारी करें। बस बिटिया की डिलीवरी में लग गई और मैं फिर आराम करना भूल गई। चलो ये जिम्मेदारी भी पूरी हुई, अब आराम ही आराम है। माँ जी, माँ जी मुझे नौकरी पर जाना है, बेटी का जवाब। अब बेटी कहने लगी, पर वापस जाना होगा तो आशीष को ज़रा थोड़ा संभाल लेना। नाती के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं थक गई और आराम करना फिर मेरा रह गया। चलो नाती भी बड़ा हो गया, अब सारी जिम्मेदारियां खत्म, अब मैं आराम करूंगी। पति का फिर फरमान आया, अरे सुनते हो, घुटने दर्द हो रहे, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बीपी बढ़ गया, शायद डायबिटीज हो गई है, डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है। पति की सेवा में बचा होचा जीवन गुजर गया और आराम करना फिर रह गया। फिर एक दिन भगवान के तो आएंगे बेचारे, उनको तो हमसे बहुत मोहब्बत है। एक दिन भगवान खुद धरती पर आए और कहा, आराम करना है तुझे, तो केवल एक ही रास्ता है बिटिया, एक ही रास्ता है। धन्यवाद।